Hello friends, welcome to Gates Measure. Next topic in graph theory is Hewell's-Hakimi theorem. Hewell's-Hakimi theorem हम use करते हैं for a given degree sequence whether a simple graph is existing or not. मतलब हमारे पास given क्या होता है, degree sequence दिया हुआ है, उस degree sequence को देख के मेरे को पता लगाना है कि क्या इसके corresponding simple graph बन सकता है या नहीं बन सकता. तो बेटर है कि अगर इसको हम एग्जांपल से करें. तो यहां पे सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिखा है. डिग्री सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो हैंडशेकिंग थ्योरम में, हैंडशेकिंग थ्योरम में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिग्री सीक्वेंस क्या होती है, डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आप प्लीज पहले वो वीडियो एक बार चेक कर लें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नहीं भी अगर आप चेक कर रहे तो इन केस मैं यहां पे आपको बता देता हूं. तो 2 2 2 2 मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये डिग्रीज दी हुई है. ये डिग्रीज जो है उनको देख के मुझे पता लगाना है कि ग्राफ पॉसिबल है या नहीं. तो यहां पे हर एक वर्टेक्स की डिग्री दी हुई है. तो यानी कितने वर्टेक्स हैं इसको देख के पता लगा सकते हो आप, 4 वर्टेक्स है, हर एक की डिग्री है 2. तो यहां पे आपके माइंड में आ जाएगा कि शायद इस टाइप का, अगर आपको ग्राफ में काफी बार आपने ग्राफ की प्रैक्टिस की हुई है तो आपके माइंड में शायद आ जाए कि ओके इसका तो ये सिंपल सा ग्राफ पॉसिबल है, ये सबकी डिग्री क्या है सेम है, इसकी भी 2 2 2 और सबकी सेम है डिग्री. लेकिन इस केस में तो आप इजीली गेस कर सकते हो. लेकिन अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल में गेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है. और अगर आप इसको स्टार्ट करते हो, लेट्स से आपके माइंड में आया कि एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 7 है, फिर दूसरा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 6 है, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करने लग गए तो आपका पूरा एग्जाम का जो टाइम है वो इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा. तो हमें यहां पे हेवल्स-हकीमी थ्योरम को यूज करना है. बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है. तो यहां पे मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. तो यहां पे सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे जो पहले तो यहां पे देखना आपको कि ये अरेंज होना चाहिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, अगर नहीं है तो अरेंज कर लो. ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है. तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो. फर्स्ट एलिमेंट को हटाने के बाद किस एलिमेंट को हटा रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी थी 2. तो बाकी के जो नेक्स्ट 2 है ना, 2 वैल्यूज जो है उनमें से -1 कर दो. मतलब जिस एलिमेंट को आप हटा रहे हो हटा दो, जो उसकी वैल्यू थी 2, नेक्स्ट वाले उतने ही एलिमेंट्स में आप -1 कर दो. कर दो -1. जब हमने किया यहां पे तो यहां पे आंसर क्या है मेरा, 1 1 एंड 2, ये आंसर आया. अब इस वाले पोर्शन को, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको दोबारा से फिर अरेंज कर दो. किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में. फिर फर्स्ट एलिमेंट को हटाओ और कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स में -1 -1 कर दो. तो क्या बचेगा आंसर, 0 0. यहां पे आपका पॉइंट खत्म. मतलब अगर रेस्ट में, जब आपको बिल्कुल लास्ट में आंसर में कहीं पे भी -1 नहीं आ रहा, सारी जीरोस आ रही हैं, तो वहां पे आपका आंसर जो आएगा कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ. ऐसे ही आपको, अगर मैं इस क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहां पे 3 2 1 1 0. तो 3 सबसे पहला एलिमेंट ऑलरेडी पहले चेक कर लो कि क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, है. तो सबसे पहले एलिमेंट को यहां पे डिलीट करते हैं. सबसे पहले एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करता हूं 3, तो पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या थी 3. तो नेक्स्ट 3 में -1 परफॉर्म करो. नेक्स्ट 3 में -1 परफॉर्म करो तो क्या बचा, ये 1 0 0, और ये 0 तो एज इट इज यहां पे आ जाएगी. अब इसको अरेंज कर लो डिसेंडिंग में, ये तो ऑलरेडी अरेंज है. तो दोबारा से फिर हम जाते हैं 1 0 0 0. नेक्स्ट इस एलिमेंट में हमने डिलीट किया, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट किया और कॉरेस्पॉन्डिंग 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो नेक्स्ट वाले 1 में -1 परफॉर्म करो. तो 0 -1 करोगे क्या आएगा, -1 0 0, देयर इज एग्जिस्टिंग ऑफ -1. जैसे ही आपका एंड में आंसर में -1 आ गया तो यानी ग्राफ पॉसिबल नहीं है. और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, आपने जो क्वेश्चन में देखो 3 2 1 1 0, यहां पे नंबर ऑफ ओड वर्टिसेस कितने हैं. ओड वर्टिसेस का मतलब कि कितने वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री जो है वो ओड है, 1 2 3.
मतलब तीन वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है। तो मैं वही आपको दोबारा बता रहा हूं जो हैंडशेकिंग थ्योरम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस शुड ऑलवेज बी इवन, और उसको मैंने प्रूफ भी किया हुआ है। तभी मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप वो वीडियो चेक कर लेंगे तो आपको और ज्यादा यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें आप पहले तो यही चेक कर लो कि नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस कितने हैं जिनकी डिग्री ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस ही अपने आप में ऑड है तो वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा कि नॉट पॉसिबल। जैसे इस केस में 1, 2, 3 ये तो ऑलरेडी ऑड है, ऑड वर्टिसेस भी ऑड है, तो ऑड वर्टिसेस ऑलवेज इवन होने चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं यहां पे 6, 5, 4, 3, 3, 1 इसमें अगर ऑलरेडी ये अरेंज है, 6 को हम यहां पे कट करें तो नेक्स्ट 6 को फर्स्ट एलिमेंट को कट किया उसकी वैल्यू क्या थी 6, तो नेक्स्ट 6 में -1 परफॉर्म करो। लेकिन ध्यान से देखो नेक्स्ट 6 है 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स्थ एलिमेंट ही नहीं है यहां पे, तो यहीं पे इसको कर दो बंद क्योंकि इसका भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये मैंने इसीलिए यहां पे पॉइंट्स लेके आया हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हेवल्स एकेमी से तो हमारा टाइम बचेगा ही, उसके अलावा ये और पॉइंट्स है जो आपको हो सकता है आपको सॉल्व करने की कोशिश ही ना करनी पड़े, आपका वैसे ही खत्म हो जाए। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पे और डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको बिल्कुल इसका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहले तो अगर अरेंज नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, तो फर्स्ट एलिमेंट को यहां से हटाओ 7 को, किसको उठाया 7 को, तो उसकी वैल्यू कितनी है 7। नेक्स्ट 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये 7 एलिमेंट्स में क्या करो -1 परफॉर्म करो, फटाफट करते जाओ। क्या आंसर आया 5, 5 -1 4, 4 -1 3, 4 -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1, 1 -1 0। अगर ये हर एक स्टेप पे चेक करना गाइस, हर एक स्टेप पे कि क्या ये अरेंज है या नहीं, अगर अरेंज नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा ये, लेकिन ये ऑलरेडी अरेंज है तो फटाफट नेक्स्ट दोबारा फिर रिपीट करो, क्या फर्स्ट एलिमेंट को हटाओ और क्या थी उसकी वैल्यू 5, तो नेक्स्ट 5 में 1, 2, 3, 4, 5 तो इन 5 में क्या करो -1 परफॉर्म करो, -1 करते हैं 4 -1 3, 3 -1 2, 3 -1 2, 2 -1 1, 1 -1 0 और ये 0 एज इट इज यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा फिर चेक करो अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, तो अब सिंपल फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हटाओ, क्या है वैल्यू 3, तो नेक्स्ट 3 में क्या करो -1 किया तो क्या आया 1, 2 -1 1, 1 -1 0, नेक्स्ट 2 0 जो है वो एज इट इज कॉपी कर दो। फिर चेक करो क्या ये अरेंज है, यस ये ऑलरेडी अरेंज है, तो पहले एलिमेंट को डिलीट करो, नेक्स्ट क्या थी इसकी वैल्यू 1, तो यानी नेक्स्ट 1 में क्या करो -1 परफॉर्म करो, बाकियों को एज इट इज कॉपी कर दो। बाकियों को एज इट इज कॉपी किया तो यहां पे 1 -1 क्या हो गया 0, और ये 0 0 हमारे पास आ गए, तो ये देखो फाइनल में आंसर क्या आया सारे 0, तो सारे 0 का मतलब है ग्राफ पॉसिबल है। लेकिन अगर कहीं पे -1 अटक गया, -1 का मतलब है अगर पहले भी कहीं पे -1 आ गया, पहले दूसरे स्टेप पे वहीं पे स्टॉप कर दो, -1 का मतलब है ग्राफ पॉसिबल नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।